दस अगस्त को मंगल मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और यह परिवर्तन रात्रि को लगभग दस बजे के आसपास होगा तो आप ये मान के चले कि ग्यारह तारीख से आपको परिणाम मिलने शुरू होंगे तो मंगल और वृषभ राशि का जो संबंध है वो भी मैं आपको बता दू तो मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो ये पता चलता है कि आप अपनी ऊर्जा अपनी जो ताकत है अपना जो धन है उसको वासना, विलासिता, भौतिक सुखों की तरफ ज्यादा खर्च करने की चाहत रखेंगे नहीं खर्चे बढ़ेंगे संपत्ति बना सकते हैं रियल एस्टेट में कर सकते हैं डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा लाभ है और मंगल जवान पुरुष और शुक्र जो है एक खूबसूरत स्त्री है क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं तो दोनों का मिलन क्या परिणाम देगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे अगर आप किसी चीज को कंट्रोल में रखते हैं तो वहां पर कोई नुकसान नहीं होता तो किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसान देती है चाहे वो प्यार हो चाहे वो दुश्मनी हो तो सब कुछ दायरे में रहे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा आपकी बदनामी नहीं होगी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तार से जानेंगे यह जानकारी राशि और नाम राशि पर आधारित होगी तो किन पर प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा इस गोचर काल का पैंतालीस दिनों का जो समय है देखिए जिनकी भी मंगल या शुक्र की दशा महादशा प्रभाव पड़ेगा अब तीन नक्षत्र आते हैं इसमें अः रोहिणी कृतिका और मृगशिरा तो जो भी लोगों का जन्म नक्षत्र या जन्म के समय चंद्रमा इन नक्षत्रों में था तो उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा या जो लोग मंगल से संबंधित काम करते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा बढ़िया बात ये होगी कि अंगारक दोष खत्म होगा मंगल को शांति मिलेगी राहु के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और शुक्र की राशि में जाकर मंगल सोच समझ कर निर्णय लेने वाला इंसान बनाएंगे यानी मंगल को राहत मिलने वाली है अब ये राहत आपके लिए आपकी राशि के लिए कितनी राहत लेकर आएगी ये जानना भी जरूरी है देखिए एक सामान्य उपाय मैं आपको बता रहा हूं अगर ये उपाय करिएगा और वीडियो के अंत में बीच में बहुत सारे उपाय बताऊंगा इन उपायों को भी करिएगा वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल होता है बैल ये देखिए स्क्रीन पर वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह आ गया ये बैल है बैल क्या होता है बिल्कुल एकदम एकदम जो लग गया तो लग गया और बैल भगवान शिव को नंदी क्या है नंदी भी बैल है है ना तो भगवान शिव का बैल से बड़ा अच्छा कनेक्शन है और बैल से एक चीज आपको याद आती होगी कि भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ता है और बेल बेल पत्र के पेड़ में बेल का फल लगता है तो अगर आप इस समय में जो बैल बैल होता है बैल उसको बेल खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर संभव ना हो पाए तो यही बेल जो है वो भगवान शिव पर भी चढ़ाएंगे तो भी मंगल के अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे हर हफ्ते चढ़ाएं रोज चढ़ाएं जैसे संभव हो एक उपाय हो गया बैल को बेल का फल खिलाना या भगवान शिव के मंदिर में जाकर नंदी जी को बाकी शिव जी को और बाकी सभी देवी देवताओं को चढ़ाना तो आपके लिए मंगल के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे है ना और कितना सरल उपाय और अब इसके बाद और भी उपाय बताऊंगा अब आपकी राशि की बात करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी दबा दें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं बात करेंगे कन्या राशि की तो कन्या राशि के लिए आप देखिए गोचर कुंडली में कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए मंगल तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं और इस वक्त नवे भाव में देखिए नवा भाव जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर गोचर करने वाले हैं आपको लाभ प्राप्त होगा मंगल आपको संघर्ष देंगे भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा कम मिलने वाला है मेहनत ज्यादा होने वाली है पिता या बॉस से छोटा मोटा तनाव संभव है अचानक धन हानि हो सकती है बहुत सोच विचार कर आपको निर्णय लेना होगा जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले हानि हो सकती है अपनी यात्रा को प्लान करके यात्रा करें ऐसे ही बैग उठाया और चल दी ऐसे नहीं होना चाहिए सही फैसला ले यात्रा का सोच समझ कर नहीं तो हानि हो सकती है आप अपनी यात्रा की प्लानिंग करके आगे बढ़े बिना सोचे समझे यात्रा करेंगे या तो नुकसान होगा या फिर और दिक्कत हो जाएगी आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बना रहेगा इस गोचर काल के दौरान बहुत सारे जो विचार हैं आपके मन में आएंगे उल्टे सीधे विचार मन में आएंगे आप की सलाह लें तो और बेहतर रहेगा दूसरों की सलाह से काम करें तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि तो आपका खुद का दिमाग बहुत कंफ्यूज रहेगा आपके आसपास सब कुछ होगा फिर भी रुकावटें और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी बेकार के खर्चों से आप परेशान रहेंगे भाई बहन से रिश्ते ठीक रहेंगे पारिवारिक तनाव आपके 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 ऊपर मना रहेगा पारिवारिक तनाव के कारण आप परेशान रहेंगे माँ की सेहत के लिए समय ठीक नहीं है आप आप आपका जो कोई 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 भाई है वो अमीर हो सकता है उसको एकदम से लॉटरी लग सकती है उसको कोई संपत्ति मिल सकती है आप नहीं आपके भाई की बात कर रहा हूं अगर है तो वो अचानक से अमीर हो सकते हैं संयुक्त परिवार में अगर आप रहते हैं तो अच्छी बात है और संयुक्त परिवार में रहेंगे तो आपको बहुत सारी खुशियां भी मिलेंगी अकेले अकेले मत रहिएगा तो कुल मिलाकर इस आपके लिए ये जो आ, कन्या राशि वालों के लिए ना कहीं ठीक अच्छा बैठ रहा है ठीक ठाक परिणाम मिल रहे हैं किसी बात को लेकर घमंड नहीं करें गुस्सा नहीं करें घर से दूर न जाए नास्तिक ना हो भोजन सही समय पर करें सात्विक भोजन करें अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो कन्या राशि को यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आ, सावधानी पूर्वक आगे बढ़े कोई चिंता नहीं है अगर आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं तो यहाँ पर अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखिए आपके भाई वगैरह की तरक्की अच्छी होती हुई दिखाई पड़ रही है आपकी जिंदगी में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है खुश रहिए प्रसन्न रहिए आनंद में रहिए और चैनल से जुड़े रहिए हरिओम नमस्कार ये जो रुद्राक्ष है ये क्या है रुद्राक्ष यानी शिव और शिव क्या है शिव महाकाल है महाकाल का मतलब क्या हो गया जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है।, है ना और आपको पता है शिव से शनि भी डरते हैं शनि क्या है काल है शिव महाकाल है है ना शनि क्या है इंस्पेक्टर है और शिव क्या है उस शहर के डीआईजी तो इंस्पेक्टर की क्या औकात है डीआईजी के सामने वैसे है औकात एक औकात यूज किया कि मतलब पोजीशन में रिस्पेक्ट है सब कुछ है लेकिन औदा डीआईजी साहब का ही बड़ा है तो डीआईजी साहब का आदेश का पालन होगा तो शनि राहु केतु सब छोटे 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 हवलदार कॉन्स्टेबल है और शिव जो है पूरे शहर के हवलदार है यानी शहर पूरे शहर का हवलदार यानी कमिश्नर हो गए डी जो कहना चाहे कह लें तो डी का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो उसका ये चोर उचक्के छोटे बड़े चोर उचक्के कुछ बिगाड़ सकते हैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो जब ये कवच आपके गले में होगा आपके होगा आपकी पत्नी के होगा बच्चे के होगा तो उसका कोई ग्रह कोई इंसान कुछ भी बुरा नहीं कर सकता उसे सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलेगी एस फोर्टीन इसका कोड है मंगाइए पहनिए एक के साथ एक फ्री है ग्यारह सौ रुपये है सावन के महीने में इसको पहनने से इसकी ताकत में दुगनी ताकत आ जाती है ये मौका मत चूकिएगा इतना सस्ता पता है लिए क्यों किया मैंने ताकि मेरा हर मुझे देखने वाला इंसान पहन सके इसलिए सस्ता किया है मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे आपकी खुशी चाहिए अभी ऑर्डर करिए मंगाइए पहनिए और आनंद में शिव की भक्ति में डूब जाएगी